नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार, बिहार नाम सुनते ही कई लोगों के मन में ये घूमता है कि बिहार तो गरीब राज्य है, बिहार अनपढ़ राज्य है, बिहार अशिक्षित राज्य है। शायद इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं हम विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के लिए जारी होने वाली रैंकिंग NIRF 2023 जारी कर दिया गया है। इसमें बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज टॉप 100 की लिस्ट में शामिल नहीं है। 500 करोड़ से ज्यादा का बजट वाला पटना यूनिवर्सिटी भी टॉप 100 की यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं हो पाया है। रैंकिंग में बिहार में केवल केंद्रीय संस्थान ही जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं। NIRF की रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में IIT पटना को 66वां स्थान मिला है। वहीं मेडिकल की कैटेगरी में AIIMS पटना को 27वां स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी NIRF की रैंकिंग में IIT पटना इस बार ओवरऑल रैंकिंग में 7वां अंक लुढ़क कर 66वें अंक पर चला गया है। पिछले साल ये 59वें स्थान पर था। वहीं इंजीनियरिंग की कैटेगरी में IIT पटना खिसक कर 41वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 33वें स्थान पर था। जबकि इस श्रेणी में NIT पटना भी टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। आगे आपको बताते चले कि NIT पटना को 56वां स्थान मिला है, जो पिछले साल से बेहतर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में NIT पिछले साल 63वां रैंक मिला था। वहीं आर्किटेक्ट की कैटेगरी में NIT पटना को 19वां स्थान मिला है। मैनेजमेंट की कैटेगरी में IIM बोधगया अंडर 100 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। वहीं 51.28 अंक के साथ IIM बोधगया 53वें स्थान पर रहा है। पिछले साल की तुलना में कॉलेज ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। 2022 में कॉलेज को 45.82 अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें अन्य रैंकिंग की तो फार्मेसी की कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर को 44वां स्थान मिला है। वहीं एग्रीकल्चर की श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और समस्तीपुर को 33वां रैंक मिला है। मेडिकल में एम्स पटना को 27वां स्थान मिला है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है। यह लिस्ट अलग अलग कैटेगरी और सब्जेक्ट के आधार पर भी विभाजित होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट आदि। NIRF रैंकिंग की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस साल NIRF का 8वां संस्करण है। पिछले 5 साल में बिहार के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचना और दूसरी सुविधाओं के लिए दी गई बजटीय राशि 3,293.83 करोड़ रुपए दी गई थी। यूनिवर्सिटी को यह राशि बिहार सरकार, UGC और बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से मुहैया कराई गई थी। विश्वविद्यालयों की तरफ से इस राशि का खर्च नहीं जा सका, आखिर में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। वहीं आगे बात करें तो 2017 और 2022 तक सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों को 17,835.08 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। अगर बिहार की यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो पटना में ही है, CNLU विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, अरबी फारसी विश्वविद्यालय और TMU भागलपुर में है ये, और ये विश्वविद्यालय है। BRA बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है, JPU विश्वविद्यालय जो छपरा में है, और LNMU दरभंगा में है। इसका मतलब होता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। आपको आगे बताते चले कि संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, NOU विश्वविद्यालय पटना में है, VKSU विश्वविद्यालय आरा में है, VNMU मधेपुरा में है ये विश्वविद्यालय, और मगध जो विश्वविद्यालय है ये गया में है। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में है। तो ये रही बिहार के तमाम विश्वविद्यालय। जो बिहार के विश्वविद्यालय हैं वो यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं है। NIRF के द्वारा लिस्ट निकाला गया जिसमें बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं है। शायद इसी के कारण बिहार
राज्य को पिछड़ा राज्य बोला जाता है और शिक्षित राज्य बोला जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।